हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव ऑनलाइन क्लासेस। द सेम चैप्टर विल कंटिन्यू विद द क्लास 12 कॉमर्स। प्लानिंग चैप्टर इज कंटिन्यू एंड द सेम चैप्टर वी आर डिस्कसिंग गोइंग टू डिस्कस द अदर टॉपिक दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजी। वी हैव डिस्कस्ड द टाइप ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ द प्लान एंड द लेंथ ऑफ द प्लान। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लान, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। In this video, we are going to discuss another type of plan, which is known as the strategy and objective and strategy. Objective and strategy, it is not known under the standing plan or a single use plan. ठीक है ना। तो ये आपका जो है strategy जो है, ना तो ये आपका single use plan है और ना ये standing plan है। In the same way, objective is also not a single use plan or a standing plan. So, but it is a plan. But this is a plan, but it is not come under the standing plan or the single use plan. So, what is objective? We have discussed in the previous video that in the planning process, this is the first step of planning process, setting the objective. ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है, planning process हमने discuss किया है। जो पहला जो planning process का जो पहला जो step है, वो हमारा step है कि हम अपने objective को set करते हैं। ठीक है। So, यहाँ written here, the first step is setting objective. This is the first step of the planning process. ठीक है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, देर इज हायरार्की एंड इन द हायरार्की देर इज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट वर्क। फॉर एग्जांपल लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, द मेन वर्क ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज टू प्रोक्यूर द फंड्स एज इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। इन द सेम वे देर इज एच आर डिपार्टमेंट, द मेन मोटिव ऑफ द एच आर डिपार्टमेंट इज टू हायर द बेस्ट पर्सन्स टू फिल द वैकेंसी। ठीक है। देयर इज अ मार्केटिंग डिवीजन, देयर इज अ सेल्स डिवीजन, देयर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन। ऑल दिस डिवीजंस हैव अ डिफरेंट डिफरेंट वर्क, बट लेकिन जो ये जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, बट ऑल दिस फंक्शंस, ऑल दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे कंबाइनली एफर्ट देयर एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। ये अपने जो है एफर्ट को जो है कंबाइन करते हैं, इवन दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, उसके बावजूद भी जो है ये अपने एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आई मीन टू से दैट जो ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक फंक्शंस डिपार्टमेंट के हर एक फंक्शंस के जो है एफर्ट को इंटीग्रेट करता है और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्शन हमारे क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है। डिजायर फ्यूचर पोजिशन दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू रीच, विद द हेल्प ऑब्जेक्टिव क्या है एक कंपनी जो है। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो है अचीव करने की बात होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एंड और वो जो ऑब्जेक्टिव जो हमने जो तय किए हैं, स्पेशली द ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल द डिपार्टमेंट, दे अचीव द दे ट्राई टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है। सो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू रीच, फॉर एग्जांपल इंक्रीज सेल्स बाय 20%। ठीक है। अगर 20% से इंक्रीज करना है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का है कि हम मंथ एंड में या फिर एट एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू इंक्रीज अ 20% सेल। तो 20% सेल को इंक्रीज करने के लिए जो है ऑल द डिपार्टमेंट दे कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑपरेशन ऑफ द 20% सेल्स। ठीक है। एंड दिस 20% सेल्स जो ऑब्जेक्टिव को तय किया गया है, इट रिप्रेजेंट इन पॉइंट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव, हमारा प्लानिंग का जो फाइनल जो स्टेप जो है, दैट इज अचीवमेंट ऑफ द गोल, जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तो हमारा जो है प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। सो objectives need to be expressed in a specific term, that is they should be measurable in quantitative term in the form of written statement. This term is very important ki jab bhi jo hai goals ka formulation hota hai, so this is a responsibility of the managers to specify the goals in the quantitative term. This is what we have to do. 20% sales in this term, this is the objective and mention in the quantitative term. ताकि जो है सब लोग, हर एक लेवल के लोग जो है, हर एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जो है, दे शुड अवेयर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्किंग। ठीक है। तो जब हमारा पर्पज क्लियर रहेगा, जब हमारा जो है वर्क ऑब्जेक्टिव
क्लियर रहेगा हम जो है अपना एफर्ट हमारा अपना हम जो है 100% एफर्ट जो है कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो है एक होल्डिंग टर्म के अंदर एक्सप्रेस करें और वो जो एक रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए ताकि सभी लोग उस चीज़ को जो है सबके नॉलेज में रहे कि भाई हमारा इस साल का चाहे इस मंथ का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। जो नेक्स्ट आपका जो प्लान है जिन्होंने स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। वाई इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? देखिए स्ट्रेटजी ऑल्सो इज प्रिपरेबल प्रॉपर मैनेजमेंट। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बिकॉज वेन एवर द स्ट्रेटजी इज कॉम्प्लीट देयर नीड टू बी टेकन द कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। आई मीन टू से दैट कि जब भी हम स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन करते हैं तो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन करते वक्त जो है हमको अपने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का जो स्केल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सी ओ जो एग्जीक्यूटिव है वो वेन एवर दे आर फॉर्मेटिंग द स्ट्रेटजी तो बिफोर मेकिंग द स्ट्रेटजी के लिए द स्केल द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्पॉट एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था SWOT एस फॉर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, इसके बेस पर भी जो है हम अपने आप को एनालाइज करते हैं और हम जितने भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है जितने भी एलिमेंट है जितने भी फैक्टर्स है उसको भी हम जो है एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि हमारे टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या है, कस्टमर का टेस्ट प्रिफ्रेंस कैसा है, पॉलिटिकल टेम्परामेंट क्या है बिजनेस मैन को लेकर के कंपनी को लेकर के। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं लीगल इन्वॉल्वमेंट क्या है तो ये सब चीज़ों को हमको जो है स्टडी करना पड़ता है वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। व्हाई इज इट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? बिकॉज इट इंक्लूड डिटरमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग ए पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्ट्रेटजी का। सपोज कर लो कि मेरा कोई एक राइवल कंपनी है जो मेरे कॉम्पिटिटर है, दे वो जो है अपने सेल को जो है इंक्रीज कर रहा है बाई कट डाउन द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट में सर्विस में वो डील कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए जो प्राइस को जो कट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरा मार्केट शेयर जो है खतरे पड़ जाएगा, मेरे जो कस्टमर है वो स्विच ओवर हो जाएंगे उस प्रोडक्ट पे जिसका प्राइस जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमको स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ता है हाउ टू टैकल द सिचुएशन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सपोज अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एवर ए कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके सामने जो है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट जो है किस कस्टमर के लिए बनाया, हमारा टारगेट मार्केट क्या हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या हो हमारा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हमारा किस तरह से होना चाहिए, तो ये जितनी भी चीज़ें जो है ये हमारे स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस और वेन एवर वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हमको जो लॉन्च करने से पहले हमको जो है सॉफ्ट एनालिसिस करना पड़ता है और अपने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हर एक एलिमेंट को स्टडी करना होगा, स्कैन करना होगा। ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, हमारा वीकनेस पॉइंट क्या है, मार्केट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व है, मार्केट के अंदर कौन कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेसिकली इज कंसर्न विद योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ठीक है, तो एस और डब्ल्यू जो है आपके प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को फोकस करता है एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो है आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को फोकस करता है कि आपके बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी और कौन कौन सा थ्रेट मौजूद है। ठीक है, ताकि हम उसके हिसाब से अपने आपको तैयारी कर सकें और अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लॉन्च कर सकें। सो दीज आर ऑल द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेटजी और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी जो है जैसे लिखा हुआ है व्हेन एवर स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट नीड टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। सो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजी। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लान, नाइदर ए स्टैंडिंग प्लान नॉर ए सिंगल यूज प्लान। आई होप यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे। बाय।